मत जाइए, प्लीज मत जाइए। अकेली चिड़िया क्या करेगी आपके बगैर? आप होती है ना तो हमें लगता है जैसे हमारी बड़की चीजें हमारे साथ, उसे एक बार खो चुके हैं हम, आप चली गई, उसे हम दोबारा खो देंगे। प्लीज मत जाइए, बहुत जाइए। तुझे पता है दादी कहती है कि सोने की परख ना आग से गुजर कर होती है। अगर बिखर जाए तो समझो पीतल, निखर जाए तो समझो सोना। तुझे पता है तेरा मेरा रिश्ता सोने का है। इस दूरी से हम और पास आएंगे। देखना, तूने मुझे बड़ी दीदी बोल दी और मैंने भी अपना 2 रुपये ज्ञान शुरू कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो ना तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मर जा, अच्छा शिशु, मर जा। अच्छा सुन, जाने से पहले मैं तुझे ये देना चाहती हूँ, ये रख, आज से इस पे तेरा हक है। दादी, किस चीज की चाबियां हैं? ये सिर्फ चाबियां नहीं है पुत्र, इस घर का अधिकार है, इस घर की विरासत है जो बड़ी बहू को दी जाती है। समझ ले, आज से इस घर की खुशियों की चाबी तेरे हाथ में। बहुत उम्मीद से और भरोसे से दादी ने मुझे चाबी दी थी और उसी भरोसे से ये चाबी मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस घर की खुशियां कोई तेरे हवाले, ठीक है? माता, शिवाय तो पागलपन कर ही रहा है, तू भी साथ साथ पागल हो गई है क्या? इन नाशुक्रे लोगों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, देखा नहीं इन्होंने क्या किया? ये चाबियां तुझे मम्मी जी ने दी थी ना? हाँ, क्योंकि तू शिवाय की बीवी है। अगर तू इन्हें नहीं रख सकती तो इन्हें शिवाय की मां रखेगी। बिजनेस पर तो कब्जा जमा ही लिया है, अब घर पर भी कब्जा जमाना चाहती हो? शिवाय अनिका के बाद इस घर का बड़ा बेटा ओम है और बड़ी बहू गौरी, इसलिए इन चाबियों पर मेरी बड़ी बहू गौरी का हक है। मैं भी देखती हूँ आप ये चाबियां गौरी को कैसे देती है।
मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगा। हार गया, आपका बेटू हार गया।